हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी का मैथ्स 2 जिसे हम कवर करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने वाले उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दें, आज अपन कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे, आज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस लर्न करने वाले। और फॉर्मूलेस लर्न करने के लिए कुछ छोटा सा एक स्टोरी अपन ने बनाया, वो स्टोरी को लर्न कर लेंगे और स्टोरी लर्न हो गया तो फॉर्मूलेस सारे वायट हो जाएंगे। ठीक है, रेडी है सब लोग? पक्का स्टार्ट करें? तो स्टार्ट किया जाए। 3 2 1 एंड विल स्टार्ट। Once upon a time in trigonometry, हमारे पिक्चर का टाइटल है Once upon a time in trigonometry by सिराज शेख। ओके, देर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था, दिख रहा है? हमें जा रहे, अपन गए नहीं, अभी जाएंगे। चल भाई गांव में आ जा रहे कि नहीं? चलो जल्दी 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 जा रहे, मजा आ रहा है। पहुंच गए गांव में, लाइट भी बंद करना है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, गांव में पहुंच जाते हैं। आ गए हम हमारे गांव में। अब इस गांव का नाम है ओशा छोटा। क्या नाम है? ओशा छोटा। दिख रहा है? इसमें रहता था एक लड़का, एक दो तीन, ये तीनों बहुत गहरे दोस्त है। ठीक है, एक का नाम था साइन, एक का नाम था साइन, भाई साहब का नाम था साइन। कहां है भाई साइन? एक का नाम था और एक का नाम है, ये लोग एक गांव में रहते थे जिसका नाम था ओशा छोटा, ये उनका गांव है। ठीक है, इस गांव में ये तीन दोस्त रहते थे। ठीक है, और बहुत हंसी खुशी रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रहते थे। उसका रीजन ये था कि इन्होंने अपने गांव का बंटवारा कर रखा था। आप देख सकते हो, एक घर, दो घर और तीन घर है, हाया नहीं, ये तीनों का घर है। पहला घर ले रखा था इसने, मतलब साइन ने, ओशा छोटा का, ओ एस एच ए सी एच ओ टी ए, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3, एक ने ले रखा था, किसने? साइन। ठीक है, फिर बचा वापस 3, ए सी एच, दूसरा घर। अब ये दूसरा घर किसने ले रखा था? सी ने, बोले तो कॉस ने, ये कॉस ने ले रखा था। बच गया लास्ट घर ओ टी ए, किसने ले रखा था? टैन ने। क्लियर है? मैंने क्या किया, ओशा छोटा गांव था इसका बंटवारा करके रखा, तीन घर पार्ट ले लिया एस ने, तीन पार्ट ले लिया सी ने और तीन पार्ट ले लिया टैन ने। क्लियर है? ओशा छोटा पूरे गांव का नाम था, जिसमें से तीन पार्ट किसने लिया? साइन। तीन पार्ट किसने लिया? क्लियर है सबको? क्लियर? बहुत अच्छे से रह रहे थे, कोई तकलीफ नहीं, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रह रहे थे, बराबर। थोड़ा सा बदलाव जरूरी है दुनिया में, तो बदलाव होने के लिए आ जाते यहां पे। कोई तो है लड़की, बराबर। जैसे ही लड़की आई, अब इस लड़की का नाम पहले जान लेते हम लोग, इसका नाम है टीटा, बराबर। अब गांव में लड़की आई और नजर पड़ा साइन का, साइन के इधर आई ना ये, भाई साइन ने टीटा को देखा, टीटा ने साइन को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दिल मिल गए, प्यार हो गया, है कि नहीं? नहीं, नहीं, आप लोग को प्यार नहीं होना है, आप लोग प्यार में पड़ रहे हो भाई, याद है? क्लियर, बराबर। अब साइन ने टीटा को देखा और डिसाइड किया, भाई मेरा नाम अधूरा लग रहा है, साइन कोई नाम नहीं है, मेरे लाइफ में लड़की चाहिए, और अब मुझे साइन के नाम से मत बुलाओ, मुझे बुलाओ साइन टीटा के नाम से। पहले नाम था साइन, लाइफ में आ गई लड़की और नाम पड़ गया साइन टीटा। और जैसे ही लाइफ में टीटा ही बाहर ही बाहर, पावर ही पावर, पावर बोले तो इसके गांव वाले, ओ एस एच, इसके गांव वाले, जिसमें से एस का मतलब तो साइन हो गया, तो बचा क्या? ओ और एच, तो इसका मतलब
इसका मतलब जैसे ही टीटा आएगा तो फॉर्मूला, टीटा नहीं है तो फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ साइन था तो कुछ भी मैंने बोला नहीं, लेकिन लाइफ में टीटा आ गए तो भाई फॉर्मूला आ गया, तो साइन टीटा का फॉर्मूला बन गया ओ और एच, ओ अपॉन एच। समझ में आ गया? क्लियर? पक्का समझा? चलिए ठीक। अभी लड़की चालाक है, इधर तो गई, इसके गांव में भी आ गए। किसके? कॉस के गांव में। अब कॉस के गांव में खड़ी थी बेचारा, कॉस भी देख लिया, ओ माय गॉड टीटा। टीटा ने कॉस को देखा, कॉस ने टीटा को देखा, दिल मिल गए, इधर भी प्यार हो गया। अब फिर से कॉस ने क्या बोला? भाई आज से मेरा नाम कॉस नहीं, आज से मेरा नाम क्या हो जाएगा? कॉस टीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब जैसे ही इसका फॉर्मूला कॉस टीटा, मतलब लाइफ में लड़की आ गई तो फॉर्मूला तो बनता है, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? ए और एच, कॉस टीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एच। समझ में आ रहा है? अब ये ए का मतलब, एच का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब एडजेसेंट साइड और एच का मतलब हाइपोटेनियस साइड। क्लियर? जैसे इधर ओ और एच था, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, और यहाँ पे एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब लड़की तो शानी है, बराबर है कि नहीं? आ जाती है टैन के गांव में भी, आ जा बाबा, आई बराबर है, घूम के आई ना। अब टैन भी आ गया, टैन और कॉट, ये दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, बेशरम लड़का। ध्यान दे यहाँ पे, टैन ने टीटा को देखा, टीटा ने टैन को देखा, दिल मिल गए। अब फिर से टैन ने बोला, भाई मेरा नाम आधा अधूरा लग रहा है, मेरे लाइफ में टीटा है, मतलब आज से लोग मुझे क्या बुलाएंगे? टैन टीटा। और जैसे ही टीटा फॉर्मूला बन जाएगा ओ और ए। समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला ओ और ए, ओ का मतलब ऑपोजिट, ए का मतलब एडजेसेंट। तो यहाँ पे ट्रिगो के तीन चीज हो गए, साइन कॉस टैन, साइन टीटा का फॉर्मूला आया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस टीटा का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन ऑपोजिट अपॉन। डन है यहाँ तक? यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? अब यहाँ तक स्टोरी में क्या हुआ था? भाई एक छोटा सा गांव था जिसमें तीन दोस्त रहते थे, तीनों दोस्त का नाम था उषा, सॉरी साइन कॉस और टैन। उन्होंने गांव का बंटवारा कर रखा था, टीटा आगे उनकी लाइफ में, उनको प्यार हो गया और अपना नाम बदल के टैन टीटा, कॉस टीटा और साइन टीटा रख लिया। बराबर? अभी तक पिक्चर में मजा ही आ रहा है। बट विलन तो मंगता है, आ गए विलन के घर में। बराबर? ये है विलन, एक दो तीन पैसे वाले लोग है भाई, कपड़ा विपड़ा धन का पहनते लोग। एक विलन है जिसका नाम है कोसेक टीटा, है कोसेक टीटा, ट्विस्ट मालूम पड़ेगा बेटा, रुक जाओ। उसके बाद है सेक टीटा और एक है कॉट टीटा। तो यहाँ पे तीन विलन, जैसे अपने पिक्चर के तीन हीरो थे साइन कॉस टैन, वैसे तीन विलन भी अपने पास है, कोसेक कॉट और सेक। ठीक है, क्लियर है? अब ये सर टीटा इन लोग ने क्यों रखा है नाम, तो पता चलेगा। एक्चुअल में इधर देखो कोसेक सेक, तो टीटा इधर भी है, नहीं टीटा इनकी बहन है। ट्विस्ट ये है, जो टीटा है ये विलन की बहन है, और स्टोरी ऐसा था कि विलन लोग को उस गांव पे कब्जा करना था, इस भाई साहब को, कोसेक भाई साहब को ओएसएच के गांव पे कब्जा करना था, सेक भाई साहब को एसीएच पे कब्जा करना था, और कॉट भाई साहब को ओटीए के गांव पे, मतलब इसको टैन के गांव में कब्जा करना है, इसको साइन के गांव में कब्जा करना है, और इसको, बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला होएगा, किसको किसके गांव में कब्जा करना था। कैसे याद रखेंगे? तो देखो आपके पास तीन हीरो है, साइन कॉस टैन। साइन एस से चालू होता है, कॉस सी से चालू होता है, टैन टी से। तो टैन और कॉट की जोड़ी तो इजी है याद करना, टैन किसके गांव में, मतलब कॉट किसके गांव में, टैन के गांव में कब्जा कर रहे हो, ये तो वेरी सिंपल। एस के गांव पे सी कब्जा करेगा, सी के गांव में एस कब्जा करेगा, मतलब साइन के गांव में कोसेक, कॉस के गांव में सेक, याद रहेगा।
पक्का याद रहेगा। फिर से एक बार, साइन हीरो है, इसके गांव पे विलन कौन आएगा, एस के साथ कौन आएगा, सी, सी कौन है विलन, कोसेक, कॉट नहीं कोसेक, क्योंकि कॉट और टैन का विलन तो हो गया बराबर। यहाँ पे सी है, कॉस मेरा हीरो है, कॉस का विलन कौन बनेगा, सी का विलन एस बनेगा, तो सी का एस, एस का सी, ऐसे ही याद रखने का है। तो एस के लिए सी और सी के लिए एस, हीरो का विलन ऑपोजिट होगा, एस का विलन सी होगा तो सी का विलन एस होगा, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे साइन का विलन हो जाएगा कोसेक और कॉस का विलन हो जाएगा सेक, क्लियर। मतलब अब स्टोरी ये हुई कि भाई ये तीनों विलन ने अपनी बहन को बोला इस गांव में जा, तीनों से प्यार का नाटक कर, क्योंकि उनको गांव पे कब्जा करने का था, इसलिए टीटा हीरोइन गांव में गई थी, साइन को मिली, कॉस को मिली, टैन को मिली। टीटा दीदी ने, टीटा ने प्यार किया ओलो के साथ, टीटा दे दिया, क्लियर है यहां तक, अरे समझा, क्लियर है स्टोरी, इतना क्लियर हो गया पक्का 100%। तो ये कौन है मैडम, विलन की बहन, और ये हीरो लोग से प्यार का नाटक कर रही है, विलन अपने पास है तीन, क्लियर। चलिए ठीक है, देखते आगे क्या होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हुआ था साइन का, साइन टीटा का फॉर्मूला क्या हुआ था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन का विलन कौन है, कोसेक, एस का सी बताया था ना। अब क्योंकि विलन है, फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे ओ और एच, तो यहाँ पे एच और ओ, समझा। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला हुआ साइन का विलन है कोसेक, तो साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन। चलिए अब नेक्स्ट, कॉस का विलन कौन है, सी का एस हो गया ना, कॉस का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन, समझ में आया। तीसरा फॉर्मूले पे जाते हैं भाई, कौन है, टैन और कॉट, टैन का फॉर्मूला क्या था, ओ अपॉन ए, इसका उल्टा, ए अपॉन ओ, समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को हम लोग नाम देते हैं ओशा छोटा, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, ओशा छोटा, देख लो ये पूरा ओशा छोटा का कंसेप्ट है, ओ एस एच ए सी एच ओ टी ए, पहला तीन फॉर्मूले से साइन का फॉर्मूला बना, फिर ये तीन फॉर्मूले से कॉस का फॉर्मूला, और फिर ये तीन चीज से टैन का, और फिर इन सब का रिवर्स कर दो, विलन पार्टी आ जाएगा, एस का विलन सी, सी का विलन एस, टैन और कॉट तो आपको समझ में आ ही जाता है, क्लियर है। पहला फॉर्मूला सबको अच्छे से क्लियर हुआ, याद रहेगा ओशा छोटा, तीन तीन फॉर्मूले, क्लियर। हीरो विलन ध्यान में रखना, बिकॉज आगे इनसे कनेक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है, डन है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब पहला पार्ट तो खत्म हुआ, जिसमें हीरो मालूम पड़ गया, विलन मालूम पड़ गया, हीरोइन भी मालूम पड़ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब, गार्डन क्या है, गार्डन ठीक है, ओ साइन टीटा और टीटा गार्डन में बैठे हुए बराबर। यार टीटा अब हमें शादी कर लेना चाहिए, साइन टीटा को कह रहा है, यार टीटा अब हमें शादी कर लेना चाहिए। टीटा मैडम क्या बोल रही है जरा देखते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूं, आप ना कल मेरे घर आओ, कल मेरा बर्थडे है, मेरे भाई ने पार्टी रखा है, आप आओ एंड मेरी शादी के लिए भाई से बात कर लो। क्या बात है, सही है। मतलब टीटा मैडम ने क्या कहा है इसको, भाई मेरा कल बर्थडे है, मेरे भाई ने घर पे पार्टी रखा है, आप आ जाओ और मेरा हाथ मांग लो, हाया नहीं, क्या बोलता है भाई साहब, ओके ठीक है कल मिलते हैं, चले गए बराबर, हाया नहीं, चलिए गार्डन तो अभी भी बंद नहीं हुआ है। अरे 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 कौन, टीटा भी आ गया सेम जगह में, यार टीटा अब हमें शादी कर लेना चाहिए, देखते ये क्या, हाँ मैं भी यही सोच रही हूं, आप ना कल मेरे घर आओ,
परसों मेरे बर्थडे, अरे बाप रे इसका परसों है बर्थडे, अभी तो कल बोल रही थी, है नहीं परसों बर्थडे है, मेरे भाई ने पार्टी रखा है, आप आओ और मेरी शादी के लिए भाई से बात कर लो। ओके ठीक है परसों मिलते हैं। कॉस टीटा भी पिघल गया। चल भाई क्या हुआ, अभी भी गार्डन खुला है, अरे टैन आ गया। चलिए ठीक है यार टीटा, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। सेम आओ, तरसो मेरा बर्थडे है, मेरे भाई ने पार्टी रखा है, आप आओ एंड मेरी शादी के लिए भाई से बात करो। इसका मतलब टीटा तो बेवकूफ बना रही है तीनों को। अब तक ये है कि तीनों दोस्त ने एक दूसरे को बताया नहीं है कि भाई इनके लाइफ में टीटा है। ठीक है चलिए ठीक है, फिर आ गए घर पे, कॉस पहले आया हुआ है, चलो कोई नहीं हो गया, वो वहां पे एक्स्ट्रा आ गया, कोई नहीं यहाँ पे ध्यान दे। तो भाई विलन का घर, विलन के घर के टेरेस के ऊपर मिल रहे साइन, ये कॉस को देखो मत, ये ऐसे आ गया, एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा। साइन टीटा और कोसे, ठीक है अब ये साइन टीटा और कोसे क्यों मिल रहे जरा बताओ, क्योंकि साइन का विलन कौन है, कोसे के, और टीटा मैडम ने बताया नहीं है कि भाई हम तो विलन है कि एक बहन वगैरह कुछ, तो साइन किससे मिलेगा, कोसे से, बराबर है। अब इसका बर्थडे के लिए साइन आया था, इनके घर के टेरेस के ऊपर इनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो तीनों टेरेस के ऊपर है, ठीक है इमेजिन करो। साइन ये मेरा भाई है कोसेक, इतना बोली और निकल ली। अब तुम दोनों देख लो, दोनों एक दूसरे को मिल रहे, अच्छी बात है। हेलो कोसेक भाई, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं एंड उससे शादी करना चाहता हूं। कोसेक भाई साहब क्या बोले, क्या वापस से कुछ बोल रहा है, हेलो कोसेक भाई, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। क्या हेलो कोसेक भाई, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। क्या हुआ भाई, धकेल दिया कौन, कोसेक भाई साहब नीचे, बुझे याद रखना हुआ क्या, साइन और कोसेक थे, ए साहिल ध्यान दे, दोनों मिले बात हुआ, साइन भाई साहब ने बहुत कन्विंस किया, लेकिन कोसेक भाई साहब ने क्या किया, बुझ गए। चलिए ठीक है, ये पहले ही गिर गया लगता है, चलिए कोई नहीं, एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है बट ध्यान दे। अब वापस से सेम चीज होगा, कॉस किसको किसको मिलने वाला है, ये गिर गया पहले छोड़ दो, तो कॉस और सेक फिर मिलेंगे, वापस से सेम डायलॉग होगा, बट अब कॉस किसको मिलेगा, कॉस ये मेरा भाई है सेक, बोल के निकल लेनी चाहिए इसको, भाई निकल जा तू, निकल गई, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, हाँ ये आई डिड इट वाली ध्यान दे, हेलो सेक भाई, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ, सेम चीज होने वाला है, कुछ भी नया नहीं, क्या 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 होते रहेगा, और भाई साहब को धक्का मारेंगे और भाई साहब नीचे गिर जाएंगे, यहां तक क्लियर है, क्लियर। अब कौन आएगा, टैन और कॉस, वापस से सेम चीज होने वाला है, क्या होगा, टैन ए मरा, मैं किधर बोला मरा, बोला क्या मैंने, नहीं धक्का मारा है बोला, ध्यान दे टैन, अरे कितना सा है बिल्डिंग देख रहे, इधर से गिरेगा तो क्या ही लगेगा उसको, टैन ये मेरा भाई है कॉट, बोल के निकल लेगी, निकल ले भाई, दोनों मिलेंगे, आ जाओ भाई मिलने का है कि नहीं, मिलने का है, मिले, हेलो कॉट भाई, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या हेलो कॉट भाई, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ उससे शादी, क्या 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 कर रहा है, क्या गिरा ना उसको, गिरा, गिर गया, हाँ ये ज्यादा गिर गया, समझ में आया यहां तक। अब हुआ क्या, अब हुआ धक्का मार फॉर्मूला, क्या हुआ धक्का मार फॉर्मूला, देखा आपने हुआ क्या कि भाई साइन को धक्का मारा, कॉस को धक्का मारा, टैन को धक्का मारा, किसने, विलन लोग ने, बराबर है कि नहीं,
चलिए देखते हुआ क्या, साइन को बिल्डिंग पे से नीचे गिराया, एक माले से नीचे गिरा, कोसेक ने किसको गिराया, तो कोसेक टीटा इज इक्वल टू 1/ साइन। समझ में आ गया क्या भाई साहब, सेक ने किसको धक्का मारा, 1/ कॉस थीटा, टैन कॉट ने किसको धक्का मारा, 1/ टैन। समझ में आ गया, तो इसे कहते हैं धक्का मार फॉर्मूला। कोसेक विलन ने साइन को धक्का मारा, विलन ने कॉस को धक्का मारा, विलन ने टैन को धक्का मारा। समझ में आ गया। अब इसका रिवर्स भी हो सकता था, मतलब हीरो भी विलन को धक्का मार सकता है, अगर हीरो ने पार्टी दिया रहता तो। हीरो अपने घर से थोड़ी धक्का मारने लगा, विलन को धक्का मारेगा तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हीरो किसको धक्का मारेगा, विलन को, तो साइन किसको धक्का मारेगा, कोसेक को, कॉस किसको धक्का मारेगा, सेक को, टैन किसको धक्का मारेगा। इसे कहते हैं धक्का मार फॉर्मूला। पहला हुआ ओशा छोटा, दूसरा हुआ धक्का मार फॉर्मूला। डन है यहां तक। अब स्टोरी में चेंज क्या हो रहा है जरा ध्यान, ये लोग सब बिल्डिंग से गिरे थे तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। अब मिले तीनों एक दूसरे को, साइन कॉस टैन एक दूसरे को मिले, अरे तेरे को क्या हुआ, अरे तेरे को क्या हुआ, अरे तेरे को क्या हुआ। तो ये लोग बताते हैं कि भाई इनके लाइफ में एक लड़की है जिसका नाम था टीटा। क्या टीटा, क्या टीटा, तीनों कंफ्यूज। टीटा तो मेरी है, टीटा तो मेरी है, टीटा तो मेरी है। अरे टीटा किसी की भी नहीं है, टीटा विलन की बहन है। अब इनको पता चल गया किसको, हीरो को, और हीरो कौन है, साइन कॉस टैन, बराबर है। जैसे ही पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इन्होंने एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया, किन्होंने, हीरो ने। हीरो यानी कि कौन, टैन टीटा। पिक्चर का हीरो कौन है, टैन टीटा। टैन टीटा ने एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया जिसका नाम था उसके दोनों दोस्त साइन टीटा और कॉस टीटा। समझ में आया, तो यहाँ पे टैन का एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। क्लियर। विलन चुप रहेगा क्या, विलन भाई साहब भी फॉर्मूला बनाएंगे तो विलन कॉट टीटा बनाएगा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपन मैक्स लिबर्टी लेने वाले, पिक्चर लिबर्टी नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे कॉट टीटा का फॉर्मूला, हमेशा याद रखो विलन हीरो का उल्टा होता है, इसलिए कॉट टीटा का फॉर्मूला कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा आएगा। कोसेक और सेक नहीं, हाँ कॉस और साइन, ये ध्यान रखना खाली, इधर छोटा सा खाली एक चेंज है। डन यहां तक, पक्का। अब पिक्चर एंड होने वाला है तो थोड़ा ध्यान रखना, हुआ क्या, स्पेशल फॉर्मूला बना दिया है, पिक्चर में हीरो है, पिक्चर में हीरोइन है, सब लोग है पिक्चर में, खाली एक मिसिंग है पर्सन जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बिना पिक्चर अधूरा है भाई। एंड कौन है वो पता है आपको, नहीं, वो है एक मिनट, उनको बुलाने के लिए ये चीज बनाना पड़ेगा बिना उनके, अरे हाँ लेकिन इनको ध्यान दे, अरे ध्यान दे। तो जिसको बुलाना है उसके लिए अपने को काउंट देना है, 0, 1, 2, 3, 4। क्या दिया, 0, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, बराबर है। तो जो बड़ा नंबर है उससे सबको डिवाइड करो, डिवाइड बाय फोर कर दिया। जैसे डिवाइड बाय फोर कर दिया, आपको मिल जाएगा एंट्री ऑफ द पर्सन, वो है माँ। और माँ के पास सब चीज का आंसर होता है, तो माँ का मतलब है आंसर, माँ का मतलब है आंसर, माँ का मतलब है आंसर। तो भाई 0 डिवाइड बाय 4 का आंसर क्या आएगा, 0 डिवाइड बाय 4 इज ऑलवेज 0। 1 डिवाइड बाय 4 का आंसर 1/4, और कैसा, 1/4। 2 डिवाइड बाय 4 का आंसर 1/2 आएगा, बराबर है क्या, नहीं। 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड तो होगा नहीं, 3/4। 4 डिवाइड बाय 4, समझ में आ गया। तो भाई अपने को आंसर मिल गया 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। क्लियर, हाँ। अब ये माँ आई क्यों है, बिकॉज हीरो लोग तकलीफ में है, उनके गांव पे कब्जा होने वाला है, इसलिए माँ की एंट्री हुई है। अब माँ के पास जाएंगे हीरो और लेंगे आशीर्वाद। पहला हीरो जाएगा साइन टीटा, भाई साइन टीटा आ जा माँ के पास, कहाँ है भाई हमारा साइन टीटा, आ रहा है कि नहीं, आ गया।
साइन थीटा आ गया। माँ मुझे आशीर्वाद दो। कौन बोला? साइन थीटा। साइन थीटा ने बोला माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ कहती है कौन सा आशीर्वाद चाहिए और किस लिए चाहिए? मेरे पास 0 डिग्री आशीर्वाद है, 30 डिग्री आशीर्वाद, 45 डिग्री आशीर्वाद है, 60 डिग्री आशीर्वाद है, 90 डिग्री आशीर्वाद है। तुझे कौन सा आशीर्वाद चाहिए वो बता। माँ मुझे सब आशीर्वाद चाहिए, मुझे 0 डिग्री भी चाहिए, 30 डिग्री भी चाहिए, 45 भी चाहिए, 60 भी चाहिए, 90 भी चाहिए। माँ बोलती ये ले बेटा बाबा जी का ठुल्लू। हे वो देखो ठुल्लू दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब ये ठुल्लू का मतलब कुछ नहीं है तो रूट है, समझ में आया? तो ठुल्लू का मतलब क्या है? रूट है। अपने को क्या करना है? आंसर का सिर्फ रूट निकालना है तो इनको आशीर्वाद मिल जाएगा, समझ में आया? आंसर का ठुल्लू बोले तो रूट निकालने का है, साइन को आशीर्वाद मिल जाएगा। बोले तो जीरो का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? जीरो का रूट तो जीरो ही रहेगा ना भाई, तो इधर जीरो का रूट अपने को निकालना है, जीरो का रूट आ जाएगा जीरो, समझा? अब इसका रूट निकालने का है तो 1/4 का रूट निकालो, तो 1 का रूट तो 1 है और 4 का रूट क्या है? 2, तो भाई 1/2 हो जाएगा, समझ में आ गया? 1/2 का रूट निकालें तो 1 का रूट तो 1, 2 का रूट ही नहीं निकलेगा, ठुल्लू के अंदर ही रहेगा, तो 1/2, समझ में आ गया? 3/4 तो 3 का तो रूट ही नहीं है, ठुल्लू के अंदर रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो ठुल्लू 3/2, समझ में आ गया? 1 का ठुल्लू तो 1 ही रहेगा। माँ ने साइन को आशीर्वाद दे दिया, समझ में आ गया? अरे हाँ पक्का। अब दूसरा हीरो जाएगा कॉस। भाई कॉस, माँ मुझे आशीर्वाद। माँ कहती है बेटा अभी अभी तेरे दोस्त को आशीर्वाद दिया है, साइन टीटा को, बराबर है? दिया है ना, जब पीछे से ले ले। माँ क्या बोलती है? अभी अभी तेरे भाई भाई को मतलब दोस्त को आशीर्वाद दिया है, जा पीछे से ले लो। तो भाई पीछे से ले लेंगे, यहां से चालू करेंगे लिखने के लिए, तो भाई पीछे से लेंगे तो पहला आएगा 1, ठुल्लू 3/2, 1/2, 1/2, 0, समझ में आ गया? क्लियर? समझा? अब टैन टीटा जाएगा, माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ कहती है अरे पगले बेटे, आपके पास तो स्पेशल फॉर्मूला है आपके दोनों दोस्त। अभी मैंने स्पेशल फॉर्मूला दिखाया, साइन टीटा अपॉन साइन टीटा अपॉन, खाली इधर अपॉन का साइन डाल दो, आंसर आ गया। मतलब क्या करना है अपने को? सीधा इसको डिवाइड करने का, इधर ही डिवाइड 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 डिवाइड। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/√3 बच जाएगा ना यहाँ पे, बराबर है? यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे ये और ये कट, तो 1, 2 और 2 कैंसिल। और 0 से कभी नंबर डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता है, एनडी नहीं डिवाइड होता है, इंग्लिश में नॉट डिफाइंड, हिंदी में नहीं डिवाइड होता है। चलिए आंसर समझ में आ गया, चलिए लिखते हैं। तो भाई टैन का आंसर क्या आएगा? 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, इधर 2 और 2 कैंसिल, 1/√3 कैंसिल हो गया, तो इधर आंसर 1, 2 और 2 कैंसिल, √3, 0 से डिवाइड होता है क्या? नहीं डिवाइड होता है, समझ में आ गया? क्लियर? तो तीनों हीरो को फॉर्मूला मतलब आशीर्वाद मिल गया, समझ में आया? चलिए बढ़ते, खत्म हो जाना चाहिए था, बट कॉट टीटा आ गया माँ के पास, ये तो विलन है। माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ बोलती है, क्या बोल रही है? चल भक्त तू तो विलन है। अरे बोलती है माँ, बोल रही है, क्या बोली? चल भक्त तू तो विलन है। लेकिन 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 माँ का दिल तो माँ का दिल है, माँ का दिल तो माँ बोलती है बेटा कॉट तू किसका विलन है? कॉट किसका विलन है? टैन टैन का, तो उसका उल्टा कर दे, विलन है तो उल्टा करने का, तो 0 का उल्टा क्या होएगा? नहीं होएगा। 0 का उल्टा होता है क्या?
तो जीरो का उल्टा तो नहीं होता है, मतलब किधर है भाई आजा, मैं टैन का विलन आ जाऊ भाषण दे रहा, छोड़ो ठीक है यार टैन का उल्टा कर लो, तो मैंने बोल दिया माँ का सब डायलॉग मेरे को बाहर था, ध्यान दो तो इधर नॉट डिफाइन बराबर, यहाँ पे टेन का उल्टा तो वन अपॉन रूट थ्री का उल्टा क्या है, रूट थ्री अपॉन वन, तो रूट थ्री अपॉन वन मतलब वन लिखो नहीं लिखो चलता है, वन का उल्टा तो वन ही रहेगा, इसका उल्टा रूट थ्री अपॉन वन है ना, तो वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, उल्टा करेंगे ना कुछ नहीं मतलब नीचे वन होता है, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा जीरो, नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो, समझ में आ गया, कोसेक टीटा जाएगा, सेम चीज माँ को बोलेगा, माँ विलन 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 विलन, सेम डायलॉग होगा, तो डायलॉग रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली बोल रहा हूँ कोसेक किसका विलन है, सी किसका विलन है, एस का, तो जीरो का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड, वन अपॉन टू अपॉन वन मतलब टू ही होता है, वन रूट टू, इधर टू अपॉन रूट थ्री, वन का उल्टा वन, अब कौन बच गया sec theta, किसका विलन है cos का है, वन का उल्टा इसका उल्टा, भाई साहब इसका उल्टा इसका उल्टा, जीरो का उल्टा, समझ में आ गया, तो इस टेबल का नाम है माँ का आशीर्वाद, समझ में आ गया क्या, क्लियर, तीन चीज हो गए, ऊषा छोटा धक्का मार फॉर्मूला एंड माँ का आशीर्वाद, अब आशीर्वाद मिल गया है तो झगड़ा झगड़ी कर सकते, हाँ भाई जीतने का तो है ना, चलिए ठीक, लास्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, वेरी लास्ट पार्ट, और 10 स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, 10 स्टैंडर्ड के लिए ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले का जो पार्ट था वो 9 तक था आपको, ये 10th में आने वाला है, आप देख सकते हो तीन हीरो सामने सामने खड़े हैं, अब तीनों को तो पता है कि भाई विलन से झगड़ा करने का, मेन हीरो कौन है टैन भाई साहब, अब क्योंकि हीरो है तो इसको किसी चीज का टेंशन नहीं, बोला मैं अकेला फाइट कर सकता हूं, एक काम करो तुम लोग दोनों एक जोड़ी बना लो, किसको बोलता है साइन को और कॉस को बोलता है, तुम लोग एक जोड़ी बनाओ और जीत के आओ, जोड़ी बनाओ और जीत के आओ, तो इनका जोड़ी हम लोग बनाते, तो इनका जोड़ी मैंने बना दिया साइन और कॉस, तो साइन स्क्वेयर टीटा प्लस कॉस स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू वन, दोनों में से जीतेगा कोई एक, समझ में आया, तो साइन स्क्वेयर टीटा प्लस कॉस स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू वन, पहला जोड़ी समझ में आ गया पक्का, चलिए विलन भाई साहब भी अपने पास है, अब विलन भी तो तैयारी करेगा, लेकिन जो हीरो है वो तो अकेला रहता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि हीरो है वो, विलन कभी अकेला रहता है क्या, विलन को कोई ना कोई साथ में चाहिए, तो विलन बोला भाई मेरे को अकेला मत छोड़ो, मुझको तुम लोग में से कोई एक चाहिए, तो भाई किसके साथ वो जोड़ी बनाएगा, बोलेगा देख मैं कॉट हूं सी से चालू होता हूं, मुझे सी चाहिए, एस को छोड़ दे, तो मतलब अब जोड़ी इन दोनों का बनेगा, किसका कोसेक का और कॉट, जब भी झगड़ा आएगा विलन के साथ तो विलन पहला जाता है क्या उसका पीछे वाला आदमी पहले जाता है, ये तो एग्री करते हो, तो इधर कॉट और कोसेक में आगे कौन जाएगा और पीछे कौन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे याद रखनेगा, समझ में आया, पहले कौन आएगा कोसेक, बाद में कौन आएगा, तो फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस प्लस था, विलन है तो माइनस, समझ में आया, हीरो है तो प्लस, कोसेक स्क्वायर टीटा कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन, समझ में आ गया क्या, तो देखो तीन हीरो थे तीन विलन था, इसमें दो दो का जोड़ी तो बन गया, अब बेचारा बचा sec और tan, ये भाई साहब जो है थोड़े दिल वाले थे, था इनके साथ ही, बट इसको पता चला कि भाई मेरे भाई लोग है ना जबरदस्ती इसके गांव पे कब्जा करना चाहते, तो इस भाई साहब ने tan से जाके फ्रेंडशिप कर लिया, दोस्ती कर लिया, मतलब अब इसने इसके साथ जोड़ी बना लिया, किसके साथ tan के साथ, बराबर है, मतलब अब लास्ट जोड़ी बना किसका tan का और sec का, समझ में आ गया, क्लियर है, अब वंस अगेन जब झगड़ा होगा तो पहले tan जाएगा कि sec जाएगा, आप बोलो, ये विलन है और ये हीरो है, अब कोई झगड़ा आएगा तो पहला
हीरो को बचाएगा ना ये, तो मतलब पहला कौन जाएगा, सेक, उसके बाद ये, बराबर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर टीटा, क्योंकि विलन है तो माइनस सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वाई। क्लियर है, समझ में आ गया पक्का। चलिए इसे कहते हैं जोड़ी बनाओ जीतेगा एक, जोड़ी बनाओ जीतेगा एक, जोड़ी बनाओ जीतेगा, जोड़ी बनाया जीता एक, जोड़ी बनाया जीता एक, जोड़ी बनाया जीता एक। समझ में आ गया क्या, क्लियर है पक्का। मतलब अब एंड में कौन जीतेगा अपने को मालूम नहीं है, बट यहाँ पे ये तो पता चल गया भाई, इनकी एक जोड़ी है, इनकी जोड़ी है और इनकी जोड़ी है। क्लियर। अब इस फॉर्मूले के अंदर और थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले, जरा ध्यान दें। पहला जोड़ी बनाया था साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन। अब इनके बीच में और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे अगर साइन इधर रह गया तो कॉस ये बाजू आएगा, साइन को मैंने इधर छोड़ा तो कॉस ये बाजू आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, आया नहीं। सेम अगर कॉस इधर छूट गया तो साइन ये बाजू आएगा, तो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन माइनस। फॉर्मूला ये याद रखने का है, बट उसके साथ ये दो भी बन सकता है, ये ध्यान में होना चाहिए। पहला, फिर विलन के पास जाते हैं, कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट, बराबर है। अगर कोसेक को इधर छोड़ा तो कॉट इधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन, तो पहले से था वन प्लस कॉट स्क्वायर टीटा। समझ में आ गया क्या, हाँ जी। अब मैं कॉट को इधर लेके आता हूं और वन को ये बाजू लेके जाता हूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस, ये ध्यान से, इधर ही स्टूडेंट से गलती होती है, प्लस माइनस के साइन में गलती होगा, जरा ध्यान से करना। सेम विलन के पास और हीरो के पास, ये था सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इक्वल टू वन, सेक को इधर रखा तो माइनस टेन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा, और अगर टेन इधर गया तो वन ये बाजू आएगा, तो सेक तो पहले से प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा माइनस वन। क्लियर है। तो इस तरह मैंने आपको ट्रिगोप के कुछ फॉर्मूले पढ़ा दिए, सबसे पहला था ऊषा छोटा, फिर धक्का मार, फिर माँ का आशीर्वाद एंड जोड़ी बनाओ जीतेगा कोई एक। समझ में आया। आज इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले सारे फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए। क्लियर है क्या। आज के लिए इतना ही। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।